कम टू रिकॉग्निशन आईएएस। यूपीएससी का अगर सिलेबस आप देखेंगे, सिविल सर्विसेज का सब सिलेबस देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, चाहे वो आपका जनरल स्टडीज़ का सिलेबस हो या फिर आपके ऑप्शनल का सिलेबस हो। और उस ऑप्शनल में भी अगर आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल चूज़ किया हुआ है तो सिलेबस अपने आप में काफ़ी बड़ा है। इस सिलेबस को कवर करने के लिए सीधी सी बात है, आप तमाम बुक्स वगैरह को रीड करते हैं, तमाम मैगजीन को रीड करते हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं, आर्टिकल्स रीड करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अंत में होता क्या है कि आप बहुत सारे मटेरियल से घिर जाते हैं लेकिन आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं और एक समराइज करना बहुत टफ हो जाता है। इस सेशन में हम लोग इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये प्रॉब्लम जीएस की भी है और साथ में ऑप्शनल की भी है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो ज्योग्राफी ऑप्शनल की ही बात करेंगे, जनरल स्टडीज़ की किसी दूसरे सेशन में बात करेंगे। सिलेबस को कवर करते हुए आप तमाम बुक को लेकर के आते हैं, रीड करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइट करते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है कि वो वापस से आपके बुक शेल्फ में चला जाता है और उसका कोई खास यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। कोई खास यूटिलाइजेशन कहने का मतलब कि आपकी बेसिक फाउंडेशन तो आप उससे प्रिपेयर कर लेते हैं लेकिन सिर्फ बेसिक फाउंडेशन से आपका एग्ज़ाम इफेक्टिव नहीं होने पाता है। तो किस तरीके से हम बुक को बेटर तरीके से इफेक्टिवली यूज़ करें, कैसे हम अपने नोट्स मेकिंग करें, क्या हम अपने तरीके लेकर के आए जो कि अपने आप में कंप्लीट हो। लाइक हमारे पास में अगर एक नोट्स है तो अपने आप में कंप्लीट हो, मुझे किसी दूसरे मटेरियल पर मतलब देखना ना पड़े। लास्ट मोमेंट पर होता यह है कि आपके पास में मार्केट में मटेरियल बहुत सारे आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग होते हैं, देखने में होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन उस समय आपके पास में टाइम नहीं होता है और आपके पास में ऑलरेडी वो हाईलाइट की हुई किताब भी पड़ी हुई है जिसको फिर से रीड करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है कि आप उन 3 महीने के टाइम पीरियड में जस्ट आफ्टर द प्रिलिम्स कि आप प्रैक्टिस भी कर लें, टेस्ट सीरीज भी कर लें, जीएस भी कर लें और ऑप्शनल भी बुक्स के साथ रीड कर लें। तो किया क्या जाए, इसमें करने का यही तरीका होता है कि आपके पास में कोई ना कोई एक स्मार्ट तरीका होना चाहिए, क्योंकि अगर स्मार्ट तरीका नहीं रहेगा तो फिर लोग आपको वापस से वही कहना शुरू कर देंगे कि जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी थी वो सब फालतू थी, किसी काम की नहीं थी, और वापस से कोई एक नया मटेरियल पकड़ा करके कह दिया जाएगा ये रामबाण है, इसको लेकर के चलो, इससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को हटा करके आपको अपना एक तरीका निकालना पड़ेगा जो कि एक स्मार्ट तरीका होना चाहिए। स्मार्ट मतलब दैट शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड शुड बी कवर्ड अंडर टाइम फ्रेम। तो स्मार्ट तरीका क्या होगा, वो एक तरीके का शॉर्ट नोट्स होगा जो कि आप खुद अपने तरीके से बनाते हैं। इस शॉर्ट नोट्स के लिए आप रेफर कर सकते हैं अलग अलग बुक्स को, अपने नोट्स को। अब इस शॉर्ट नोट्स में ऐसा नहीं रहेगा कि आप सारी चीजों को उठा करके वापस से लिखना शुरू कर दें कि पृथ्वी गोल है। इन शॉर्ट नोट्स को किस तरीके से बनाया जाए इसके लिए एक सेशन हम लोग लेकर के आएंगे। उस सेशन में हम लोग पूरे ऑप्शनल को पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए लेकर के आएंगे और सिलेबस को 1x1 करके कवर करेंगे। शॉर्ट नोट्स क्या होगा, एक शॉर्ट नोट फॉर्मेट में होगा, हैंड रिटन होगा, सिलेबस को कवर करता हुआ रहेगा, लाइक जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, जो भी टॉपिक्स रहेंगे सबके लिए। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, ना सिर्फ केवल कॉम्प्रिहेंड करने के लिए बल्कि लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए, आंसर राइटिंग करने के लिए और आपको दिमाग में जॉटिंग्स बनाने के लिए। क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा और आपके पास में 4 अलग अलग तरीके से पॉइंट्स निकल करके अगर तुरंत आ रहे हैं तो वो होती है एक स्मार्ट प्रिपरेशन। तो इस कोर्स को हम लोग लॉन्च किया जाएगा, ये कोर्स मोस्ट प्रोबली कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ज्योग्राफी ऑप्शनल शॉर्ट नोट्स कोर्स के नाम से। इसमें स्कीमेटिक्स रहेंगी, फ्लो चार्ट्स रहेंगी, शॉर्ट नोट्स रहेंगे, डेटा रहेंगे, टेबल्स रहेंगे, जो भी अपडेटेड मटेरियल होगा उन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाएगा, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो केस स्टडीज़ हो या चाहे जो भी हो। इट वुड बी हेल्पफुल इन द आंसर राइटिंग एंड द आंसर फ्रेमिंग। साथ ही साथ में यहाँ पर पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस आए उनको भी टॉपिक वाइज देख लिया जाएगा कि वेदर दे आर यूजफुल थ्रू द शॉर्ट नोट्स और नॉट। सेशन हमारा वही रहेगा, लाइव फ्री फॉर्मेट में रहेगी। आफ्टर दैट यू कैन टेक द मेंबरशिप, यूट्यूब मेंबरशिप आप ले सकते हैं, 899 की मेंबरशिप, जस्ट बाय क्लिकिंग द यूट्यूब पर ज्वाइन बटन एक आ रहा होगा, मेंबरशिप लेकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। लाइव कोर्स फ्री रहेगी मटेरियल के लिए और साथ में बाद में वीडियोज को, बाद में सेशंस को अवेल करने के लिए यू हैव टू टेक द मेंबरशिप। इसके अलावा इफ यू वांट द पीडीएफ ओनली देन यू कैन रेफर टू recognitionis.in, वहां से आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी होती है तो आप ईमेल कर सकते हैं recognitionis@gmail.com पर।
तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी बातें थी। जहाँ पर डाउट होगा अपने डाउट को पूछ लीजिएगा, और एक नई सीरीज़ के साथ में, एक नई जील के साथ में, एक नए स्मार्ट तरीके के साथ में प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। आई होप दिस वुड हेल्पफुल, दिस वुड बी हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन। फिलहाल यहाँ स्टॉप करेंगे और मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में शॉर्ट नोट्स की वीडियोस के साथ में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।